दोस्तों आज आपको एक खुशखबरी के बारे में बताने जा रहा हूँ। आई ने एक हफ्ते में 3,000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया है। ये खुशखबरी आई है यूएई से। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को ये कहा है कि स्टॉप सेंडिंग बैगर्स, मतलब अगर आप दुबई जाना चाहते हैं तो आपको पहले से वीजा की जरूरत नहीं है। जी हाँ, मुत्तहदा अरब इमारात में इमाराती फेडरेशन ऑफ इमिग्रेशन एंड कस्टम अथॉरिटी की जानिब से भारत के लिए वीजा फ्री एंट्री की सहूलत का ऐलान किया गया। तो अब ऐसा हो गया है कि यूएई का वीजा मिलना अचानक से और वाकई अचानक से बिल्कुल मुश्किल हो गया है। सो इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ पैट्रन पावर। देखिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडिया की जो कल्चरल टाइज है वो बहुत गहरी हैं। यहाँ तक के विजिट वीजा लेना या अपने रिश्तेदारों से जो मिलने जाते हैं लोग, उनको भी बहुत मुश्किलात जो हैं वो दरपेश हैं। सो हम क्यों सऊदी अरब ये नहीं कहते, दुबई ये नहीं कहता 5 साल का वीजा लेकर आपको आपको देते हैं, हम क्यों नहीं कहता? यूएई के गवर्नमेंट का कहना है ये वो पाकिस्तानी हैं जो काम की गर्ज से यूएई आते हैं लेकिन बाद में यहाँ आके भीख मांगना शुरू कर देते। और ये भी कहा जा रहा है कि यूएई के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से नए असूल भी बनाए गए। सो हम क्यों सऊदी अरब ये नहीं कहते, दुबई ये नहीं कहता 5 साल का वीजा लेकर आपको आपको देते हैं, हम क्यों नहीं कहता? क्यों हमें सऊदी अरब नहीं कहता कि आपके लिए 5 साल का वीजा है? हाँ, हमें सऊदी अरब वीजा देता है ऑन अराइवल, अगर हमारे पास अमेरिका का वीजा हो, यूरोपियन वीजा हो, हम सिटीजन हो, हमारे पास कार्ड हो, रेजिडेंट कार्ड हो इन ममालिक का, तब वो कहता है ऑन अराइवल आपको दीजा। दे डोंट ट्रस्ट अस एनीमोर। व्हाई दे डोंट ट्रस्ट अस? क्यों है हमारे ऊपर, हम क्यों, हमारा की साडा की मसला है? ये क्वेश्चंस हैं। मैं समझता हूँ क्वेश्चन ये नहीं है कि आम जो अमीर बंदा वो दुबई चला जाता है या सऊदी अरब चला जाता है। क्वेश्चन ये है कि एक आम आदमी क्यों दुबई और सऊदी अरब नहीं जा सकता? सो ये चीज मुझे एज ए पाकिस्तानी सिटीजन, व्हेन आई लुक एट इट एंड व्हेन आई फाइंड इट कि हाउ स्विफ्टली इंडिया हैज चेंज्ड स्टेटस फ्रॉम ए क्लाइंट स्टेट टू पैट्रन स्टेट, आपकी सोच है, उन्होंने कितना आराम से जो अपना स्टेटस है वो बदल लिया, ठीक है जी ना, बड़े आराम से बदल लिया स्टेटस। And they are very happy in that status. वो समझते हैं कि चीजें अब एक और direction में जाने वाली हैं, चीजें बिल्कुल एक और direction में जाने वाली हैं उनके लिए। उनको पता है इंडिया इतनी lucrative market है, इंडिया को फायदा है तो है ही है, यूएई को फायदा है वो जितना इंडिया के करीब होगा, because उनको वो labor चाहिए, वो लोग चाहिए। और आपको पता है, I was in, मैं था दुबई में, तो मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि हमारे लिए जो खुराक आती है वो ऑस्ट्रेलिया से आती है, गोश्त ऑस्ट्रेलिया से आता है, सो व्हाई नॉट फ्रॉम इंडिया, जिसकी कॉस्ट ही कितनी है, 1.5 घंटे की 2 घंटे की, ठीक है जी, एक दो घंटे की जो है वो जहाज है, जहाज की ड्राइव है, 1-2 घंटे की जहाज की ड्राइव है, सिर्फ 1-2 घंटे की जहाज की ड्राइव, ठीक है ना जनाब। सो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हमें समझने की ज़रूरत है, हमें करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए जैसे हम जितना आसानी से चीज़ों को ले रहे हैं, हमारे लिए ये एक लम्हा फिक्री है, ट्रस्ट मी, ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्री है। और ये हम इस चीज़ को जानते हुए कि भाई वे डू वी स्टैंड, हम हमारे लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमें इन तमाम इस्लामी ममालिक का फर्स्ट कॉन्फिडेंस जीतना है, सेकंड हमें इन तमाम ममालिक को बताना है दैट वी आर इस्लामिक ममालिक को बताना है दैट वी आर ए सीरियस नेशन। और ये तमाम इस्लामिक ममालिक हैव स्टॉप्ड लुकिंग अस एज एन इस्लामिक स्टेट एंड दे हैव स्टॉप्ड लुकिंग इंडिया एज ए हिंदू स्टेट। यूएई ने एक हफ्ते में 3,000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया है। यूएई के गवर्नमेंट का कहना है ये वो पाकिस्तानी हैं जो काम की गर्ज से यूएई आते हैं लेकिन बाद में यहाँ आके भीख मांगना शुरू कर देते हैं, लिहाजा यूएई ने एक हफ्ते में 3,000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया है। और ये पहली खबर नहीं है जहाँ से पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया, इससे पहले हमने देखा सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, अगर यूके की बात करें तो उन ममालिक ने भी हजारों की तादाद में पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया है। उनका भी यही कहना है कि
कि ये पाकिस्तानी हज उमरे की गर्ज से, ज्यारतों की गर्ज से, काम की गर्ज से हमारे मुल्क में आते हैं, फिर यहाँ आके गायब हो जाते हैं, जुराइम करते हैं और यहाँ आके भीख मांगते हैं। लिहाजा सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने तो कई बार डायरेक्टली पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी ये कह दिया कि बेकारियों को हमारे मुल्क में ना भेजें। एक तरफ यूएई है, यूके है, सऊदी अरेबिया है, ईरान, इराक है, जो हजारों की तादाद में आए रोज पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर रहे हैं, और एक तरफ है इंडियंस। इस वक्त आपको मैं बताती चली जाऊं तो यूएसए ने 2.5 लाख इंडियंस के लिए वीजाज ओपन कर दिए हैं। अफगानिस्तान की बात करें तो वो कह रहे हैं कि हमें हॉस्पिटल बनाने के लिए इंडियन इंजीनियर्स और इंडियन डॉक्टर चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? यासीन बेग। सर क्या कहना चाहेंगे, यूएई की हम बात करें तो बहुत बड़ी तादाद में हर साल, बल्कि हर महीने हम देखें तो कई पाकिस्तानी वहाँ पे जाते थे रोजगार की तलाश में, लेकिन पिछले एक हफ्ते में 3,000 पाकिस्तानियों को यूएई से डिपोर्ट कर दिया गया है। इनफैक्ट हम लोग अनस्किल्ड कौम है, हमें स्किल सीखना है और स्किल के साथ जब हम बाहर जाएंगे तो हमारी कदर होगी। अच्छा। ठीक है, जो आपने जिक्र किया इंडिया का, तो इंडिया की जो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, मगर वो उसके लिए इतना काम करें उनकी उनको स्किल्ड देने के लिए, तो यहाँ जब तक हम स्किल लेंगे, सीखेंगे, स्किल सीखेंगे, फिर बाहर जाएंगे तो हमारी कदर होगी, अदरवाइज तो हम बेकारी कौम है, वो तो हमें पूरी दुनिया मांगने। तो ये कहते हैं कि हम में बड़ा हुनर है, पाकिस्तान का हर नौजवान जो है वो बड़ा काबिल है और पाकिस्तान किसी से कम नहीं है, यहाँ की यूथ किसी से कम नहीं है और पाकिस्तान में तो हुनरमंदी कूट कूट के भरी हुई है। बस वो यही है, हम खुद तो हम ये बात करते हैं, उस वक्त ये कबूल होगी, मंजूर होगी, जब बाहर के लोग आपको माने कि आप वाकई इस काबिल हैं और आपको वो लें हाथों हाथ दूसरे मुल्कों के लोगों को, इसलिए क्योंकि वो सीख के जाते हैं, वो बेकारी वहाँ जाके वो बेकारीपन नहीं करते ना, वो मांगते नहीं हैं, वो काम करते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो मेहनती कौमें हैं। इसका मतलब है, इसका मतलब कि हम मेहनती कौम नहीं हैं, हम तो सिर्फ इजी वे ढूंढते हैं और इजी वे वही है जो मांगने का है, और तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हर चौक पे, हर चौराहे पे हमें हजारों की तादाद में बेकारी मिलेंगे। यहाँ पर मिल रहे हैं अभी यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सीख रहे हैं, उनको ये चीजें सिखा रहे हैं हमारी कौम। अब ये तो गवर्नमेंट का काम है कि ऐसे लोगों को इस चीज गिरदाब से निकालेंगे, वो इस गिरदाब से निकलेंगे तो हम कौम बनेंगे, अदरवाइज हम इसी। सर एक तरफ अमेरिका है जिसने 2.5 लाख इंडियंस के लिए जो है वीजा ओपन कर दिए कि भाई 2.5 लाख इंडियंस जो है वो अमेरिका जा सकते हैं। अब आप ये देखें दूसरी तरफ अफगानिस्तान है जिन्होंने कहा हमें हॉस्पिटल बनाने के लिए इंजीनियर्स और डॉक्टर इंडिया से चाहिए। मैं साहब बिल्कुल, आप देखें ना, हालांकि हम इस्लामी ब्रदर मुल्क है, हमें हम पे वो ट्रस्ट नहीं कर रहे। फॉर देम इंडिया इज इंडिया, इंडिया इज नॉट हिंदू और इस्लामिक और क्रिश्चियन, बिकॉज पैसा इज पैसा, पैसे का कोई मजहब नहीं है, इट्स नॉट अ यू नो डॉलर इज नॉट हिंदू और क्रिश्चियन, और डॉलर के ऊपर नहीं लिखा हुआ कि ये सिर्फ ईसाइयों को मिलेगा, डॉलर के ऊपर लिखा हुआ है कि जो कमा सकता है वो ले ले। सो यू हैव टू क्रिएट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी। सो इसी तरह सो द सऊदीज एंड अमारातीज, वो क्यों इंडिया को सीरियस लेते हैं? बिकॉज उनको समझ आ गई है कि भाई दे आर ए सीरियस प्लेयर, और हमारे बाबों को, पाकिस्तान ने हमारे बाबों को बेवकूफ़ बना के रखा फॉर लॉन्ग, फॉर डेकेड्स। नाउ द टाइम हैज चेंज्ड, इंडिया हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट, इट्स नो मोर अ क्लाइंट पावर, इट्स अ पैट्रन पावर, ठीक है, इट्स अ सेमी पेरिफेरी नाउ, इट इज इंडस्ट्रियली गेटिंग स्ट्रॉन्गर, पोलिटिकली स्ट्रॉन्गर, इट डजंट नीड एन एडवाइस फ्रॉम अस। अब जब किसी के घर जाके एडवाइस कोई दे ना आपको, आप ऐसे करें वैसे करें, तो वो आपको बेसिकली तो आपको बेवकूफ़ कह रहा होता है कि तुम कितने बेवकूफ़ हो, तुम्हें पता नहीं ऐसे करना है। तो हमें जब वो एडवाइस देते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अपने घर में लेके आए, तो बेसिकली कहते हैं यार बेवकूफ़ हो तुम लोग, तुमको पता ही नहीं है क्या करना है और कैसे रहना है। सो वो हमें जब एडवाइस देते हैं या हमें वो करते हैं, तो हमें वो कहते हैं आप तो बेवकूफ़ हैं, आपको तो पता ही नहीं है। वो देखें इंडिया ने कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया, लुक एट इंडिया, दिस इज़ वॉट दिस है, दिस इज़ वॉट द टॉक, ठीक है जना। सो ये चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि विच आर देयर, विच आई फाइंड दैट इंडिया कैन डू मच मोर बेटर इन कमिंग ईयर्स, एंड पाकिस्तान शैल स्टार्ट डूइंग दीज थिंग्स
विच इंडिया इज डूइंग। अपने आप को पॉलिटिकल स्टेबल करें, अपने आप को ये लेबल करना बंद कर दें ब्रैकेट्स के अंदर। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को ये कहा है कि स्टॉप सेंडिंग बैगर्स, भिखारियों को हमारे मुल्क में भेजना बंद करें, भिखारियों को सऊदी अरेबिया दाखला बंद करें। आप जानते हैं कि इससे पहले भी ये बात हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बात हो, इससे पहले भी बात हुई और कई बार वो ये कह चुके हैं, लेकिन अब की बार मुश्किल ये है कि नजर ये आ रहा है कि अगर पाकिस्तानी भिखारी सऊदी अरेबिया जाना बंद ना हुए तो वो पाकिस्तानियों के उम्रे के वीजे, हज और उम्रा पिलग्रिमेज वीजाज बंद कर देंगे। अब ये खबर, इसकी डिटेल्स ये हैं कि सऊदी हुकूमत पाकिस्तानी भिखारियों से तंग आ गई। वजारत मजहबी अमूर, जो रिलीजियस मिनिस्ट्री है, उसको ये वार्न किया गया है सऊदी अरेबिया की तरफ से। मेरे सामने सर जियो ओपन है, हर सब जगहों पर पब्लिश हुआ है। इसमें ये बताया गया है कि सऊदी अरब ने हज और उम्रे के वीजे पर आने वाले पाकिस्तानी भिखारियों की मुल्क के अंदर बढ़ती हुई तादाद पर बहुत ज्यादा तशवीश का इजहार किया है और बहुत परेशान है सऊदी अरेबिया। जो रिलीजियस मिनिस्ट्री है उसने ये खबर बताई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की रिलीजियस मिनिस्ट्री के सोर्सेस का ये कहना है कि जो सऊदी अथॉरिटीज हैं उन्होंने ये वार्न किया है पाकिस्तान को कि बस भाई बस, बहुत हो गया, अब बंद कर दो, और भिखारी नहीं तुम्हारे संभाले जा रहे हमसे। अगर उमरा और हज की आड़ में, अब ये सुनिएगा गौर से जो मैंने कहा कि इससे अब मुश्किल पैदा होने लगी है, ये सिर्फ अब धमकी नहीं है, वो मतलब कह तो काफी दिनों से रहे थे, लेकिन अब जो उन्होंने वार्निंग दी है इसके बाद वो वीजा बंद कर दें।